नमस्ते। क्या क्या बनना चाहते हो? आर्मी। भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा है। आज 65 दिन हो गए हम पैदल चल रहे हैं। 25 किलोमीटर हर रोज चलते हैं। दिन भर आपसे बातचीत होती है, किसानों से, मजदूरों से, छोटे दुकानदारों से, सबसे बातचीत होती है। 6-7 घंटे हम चलते हैं, 6-7 घंटे हम आपकी बात सुनते हैं और अंत में शाम को 15 मिनट, जैसे आज मैं कर रहा हूं, हम अपनी बात रखते हैं। यात्रा का लक्ष्य जो बीजेपी के लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने हिंदुस्तान में नफरत, हिंसा और डर फैला रखा है, उसके खिलाफ आवाज उठाना, उसके खिलाफ खड़ा होना है। भाइयों और बहनों, इन सड़कों पे मुझसे हजारों युवा मिले हैं और उन सब से मैं पूछता हूं, क्या पढ़ रहे हो? जवाब मिलता है, कोई कहता है यूनिवर्सिटी में हूं, कोई कहता है स्कूल में हूं, कोई कहता है कॉलेज में। उसके बाद मैं पूछता हूं क्या करना चाहते हो, 5-6 जवाब मिलते हैं। इंजीनियरिंग करना चाहता हूं, डॉक्टर बनना चाहता हूं। कहां है वो बच्चा? इसको लाओ, ये देखो। नमस्ते करो, नमस्ते करो। नमस्ते। क्या क्या बनना चाहते हो? आर्मी। तो ये आर्मी, शाबाश, बैठ जाओ बेटा। ये आर्मी में देश की रक्षा करना चाहते हैं। तो हर युवा कोई ना कोई सपना देखता है और उस सपने को पूरा करने के लिए उसे रोजगार की जरूरत होती है। अब आर्मी की बात की, बाद में मैं आपको अग्निपथ के बारे में बताऊंगा, मगर हर युवा रोजगार चाहता है और इस हिंदुस्तान में, इस महाराष्ट्र में हमारे युवाओं को आज रोजगार नहीं मिल सकता। भाई और बहनों, ये मैंने सही बोला या गलत बोला? सुनाई नहीं दिया, सही बोला या गलत बोला? देखिए, इंजीनियर, युवा इंजीनियरिंग करता है, माता पिता पूरा का पूरा पैसा लगा देते हैं, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज तो बची नहीं, प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैसा डालते हैं, सर्टिफिकेट मिलता है और उस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है हिंदुस्तान में, क्योंकि उस सर्टिफिकेट के साथ रोजगार नहीं मिल सकता। इंजीनियर, जो भी इंजीनियर बनना चाहता है, पढ़ने के बाद या वो मजदूरी करता है या फिर ऊपर गाड़ी चलाता है या डिलीवरी का काम करता है, ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करके, गलत GST लागू करके, जो हमारी रीढ़ की हड्डी, रोजगार देने की रीढ़ की हड्डी थी, उसे तोड़ दिया है। नहीं, ठीक है भैया, उस रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है। रोजगार कौन देते हैं भाई और बहनों? रोजगार देश के किसान देते हैं, स्मॉल और मीडियम देते हैं, वो देते हैं, छोटे व्यापारी देते हैं, दुकानदार देते हैं। उनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी और गलत GST दी। भाई और बहनों, ये पॉलिसियां नहीं है, गलत फहमी में मत रहिए, ये पॉलिसी नहीं है, ये छोटे दुकानदारों को, किसानों को, दुकानदारों को,
छोटे व्यापारियों को मारने के दो हथियार हैं। इनको खत्म करने के दो हथियार हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करते हुए कहा था काला धन मिट जाएगा, अब देखो मिट गया, हो गया गायब नहीं, मगर देश में लाखों छोटे बिजनेस, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, लाखों छोटे बिजनेस बंद हो गए। नरेंद्र मोदी जी ने यह काम क्यों किया? क्योंकि वो पूरा का पूरा फायदा अपने दो तीन मित्र को दिलवाना चाहते हैं, नाम आप जानते हो, एयरपोर्ट, पोर्ट, सड़क, टेलीकॉम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे के सारे बिजनेस इन्हीं दो तीन लोगों के हवाले कर दिए हैं। आपका स्कूल और कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करके इनके हवाले कर दिया, अस्पतालों को प्राइवेटाइज करके इनके हवाले कर दिया। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, BHEL कंपनी है, ये आपकी पूंजी है, हिंदुस्तान की रेलवेज है, ये आपकी पूंजी है, ये आपका धन है, ये सब नरेंद्र मोदी जी इन्हीं दो तीन लोगों के हवाले कर रहे हैं। तो ये भी रास्ता जो आपका था रोजगार का, ये भी बंद हो गया, फायदा सिर्फ दो तीन लोगों को। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। किसानों की बात करो, उनका कर्जा कभी माफ नहीं हो सकता, अरबपतियों का कर्जा माफ हो जाएगा मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। भाई और बहनों मुझे एक बात समझा दो, मुझे एक बात समझ नहीं आई। अरबपति बैंक से पैसा लेता है, अरबपति बैंक से पैसा लेता है, वापस नहीं दे पाता तो लोग कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। भैया शांत हो जाओ दो मिनट। लोग कहते हैं, सरकार के लोग, ब्यूरोक्रेसी के लोग कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। मगर अगर किसान, अच्छा वो कर्जा लेते हैं लाखों करोड़ का, लाखों करोड़ का कर्जा वापस नहीं देते, माफ हो जाता है, उनके बारे में कहते हैं भैया ये तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। मगर किसान 50,000 रुपए का लोन लेता है, लाख रुपए का लोन लेता है, उसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट नहीं कहते, उसको कहते हैं ये डिफॉल्टर है, उसका घर ले जाते हैं, उसकी जमीन ले जाते हैं। तो आप मुझे ये समझाइए क्यों हो रहा है ये अन्याय, हमारे किसानों के साथ क्यों हो रहा है? यहां पे किसान हैं, हैंगे ना? मुझे बताओ, आपको जो भी आप उगाते हो उसका आपको सही रेट मिलता है? सुनाई नहीं दिया, सही रेट मिलता है, MSP मिलती है? आपका नरेंद्र मोदी जी ने कभी कर्जा माफ किया? UPA सरकार ने कर्जा माफ किया था? ये देखिए, आप सब जानते हो। तो यात्रा का लक्ष्य यह है, ये जो हिंसा फैला रहे हैं, डर फैला रहे हैं, इसके खिलाफ खड़ा होना। और ये जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, इसके खिलाफ खड़ा होना, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ना। आखिरी सवाल भाई और बहनों, UPA के समय गैस सिलेंडर का रेट क्या होता था? 400। उस टाइम हर भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते थे शर्म आनी चाहिए, 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया। अच्छा भाई और बहनों, अब क्या रेट है? अब अपने भाषण में नरेंद्र मोदी शर्म की बात क्यों नहीं करते? अच्छा पेट्रोल का दाम क्या था यूपीए के समय? 60 रुपए। उस टाइम नरेंद्र मोदी कहते थे शर्म आनी चाहिए, 60 रुपए हो गया दाम पेट्रोल का। आज क्या दाम है? डीजल का क्या दाम है? नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कहते। पहले कहते थे 2 करोड़ युवाओं को मैं हर साल रोजगार दूंगा,
पता लगा करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया नोटबंदी और जीएसटी लागू करके। एक एक भाषण में रोजगार की बात नहीं करते, आप सुनो उनके भाषण, रोजगार शब्द नहीं सुनाई देगा, बेरोजगारी शब्द नहीं सुनाई देगा, महंगाई शब्द नहीं सुनाई देगा, और आप बीच में पिस रहे हो बेरोजगारी और महंगाई के बीच में। हिंदुस्तान का गरीब, हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, छोटा दुकानदार पिसे जा रहे हैं सब, ये सच्चाई है। इसलिए हमने ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक शुरू की है। और मैं आपको बता रहा हूं, देखो एक बात समझ लो, ये जो तिरंगा है ना, ये श्रीनगर में जाके हम इसको लहराएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा, कोई तूफान कोई आंधी कुछ नहीं रोक पाएगा, ये झंडा ये तिरंगा वहां पे जाके लहराएगा। ये दिखाओ सामने लाके, अब देखिए, अब आपने कहा, आपने कहा भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलो। अच्छा ये सब, ये सब अच्छा भैया झंडे को आगे लाइए, ये देखिए ये देश का झंडा है, इसको आप पहचानते हो, पहचानते हो ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब आप सुनो, अगर देश को बांटा जाता है, दिनेश दो मिनट ठहर जाओ, अगर देश को बांटा जाता है, देश में हिंसा फैलाई जाती है, देश में नफरत फैलाई जाती है, तो ये जो झंडा है, ये जो झंडे की सोच है, ये मजबूत होती है या कमजोर होती है? कमजोर। देश को बांटने से देश को फायदा नहीं होता है, देश को नुकसान होता है, दो तीन उद्योगपतियों को फायदा होता है। देश को जोड़ने से देश में अहिंसा फैलाने से देश में भाईचारा फैलाने से इस झंडे को फायदा होता है। तो ये लोग कहते हैं हम देशभक्त हैं, ये कौन से देश के देशभक्त हैं जो हिंदुस्तान को बांटे जा रहे हैं? आप किसी भी परिवार को बांटो, किसी भी परिवार को बांटो, भाई को भाई से लड़ा दो, परिवार का फायदा होता है या नुकसान? पिता को बेटे से लड़ा दो, फायदा होता है नुकसान? भाई को बहन से लड़ा दो, फायदा होता है या नुकसान? तो फिर देश को बांटने से फायदा कैसे होगा? तो इनकी पॉलिसियां जो हैं, आपको डराने की पॉलिसियां हैं। किसान को ये सही दाम नहीं देते, कर्जा माफ नहीं करते, एमएसपी नहीं दिलवाते, खाद के दाम बढ़ा देते हैं, जीएसटी लागू कर देते हैं, क्योंकि आपको डराना चाहते हैं। नोटबंदी करते हैं, जीएसटी लागू करते हैं, क्योंकि वो छोटे व्यापारियों को, स्मॉल मीडियम बिजनेस वालों को डराना चाहते हैं। कोरोना के समय इन्होंने हिंदुस्तान के सब मजदूरों को बर्बाद कर दिया और पैदल पैदल चलवाया, उनके दिल में डर पैदा करवाया। ये डर इसलिए पैदा करवाते हैं क्योंकि वो आपको, आपके डर को नफरत में बदलना चाहते हैं, आपके डर को हिंसा में बदलना चाहते हैं। और ये देश अहिंसा का देश है, ये देश प्यार का देश है, ये देश भाईचारे का देश है, ये देश नफरत का है ही नहीं, कभी नहीं रहा है, कभी नहीं होगा। तो ये मेरा आपके लिए मैसेज था। आप हमें यात्रा में आपने पूरा का पूरा प्यार दिया।
पूरा का पूरा आपने प्यार दे दिया, पूरा का पूरा भरोसा दे दिया, पूरा का पूरा सपोर्ट दे दिया। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। देखिए 25 किलोमीटर चले हैं हम आज, 25 किलोमीटर चला हूं, ये सब चले हैं, इनका चेहरा देख लो, ये थके हुए लग रहे क्या? मैं थका हुआ लग रहा हूं क्या? ना। क्यों? क्योंकि हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आपकी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, आप हमारी मदद कर रहे हो, इसके लिए आप सबको दिल से धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।